सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माटिक। कैल्शियम टैबलेट्स, आज मैं इस वीडियो में कैल्शियम टैबलेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। कैल्शियम के दो ब्रांड्स हैं, शेलकैल और सिपकैल। आप अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो आपने उधर सुना ही होगा कि डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपको कैल्शियम की गोली लेनी पड़ेगी। आपने टीवी पर भी ऐड देखा होगा कि 35 की उम्र के बाद लेडीज में कैल्शियम लेना पड़ता है, ऐसा वो ऐड करते हैं। ये ऐड देखकर या फिर कुछ लोग खुद से ही ये गोली लेते हैं। तो अगर आप ये गोली लेते हैं तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और एक गोली कब कब नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज मैं सिपकैल और शेलकैल इन दोनों गोलियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये गोली कैसी कैसी लेनी चाहिए, डोसेस कौन कौन से है, कौन कौन से आजारों में ये गोली लेनी चाहिए, कितने दिनों तक ये लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स है और कौन कौन से रोगों में, कौन कौन से कंडीशन में ये गोली नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिपकैल और शेलकैल, इन दो गोलियों में कंटेंट क्या क्या है अब हम देखेंगे। इसका कंटेंट है कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg और विटामिन डी। साथ ही साथ इसका इस ब्रांड नेम के साथ सिरप भी आता है बच्चों के लिए। इसका डोज है एक गोली रोज सुबह। ये ज्यादा से ज्यादा दो गोली भी यानी कि सुबह और शाम को ली जा सकती है और बच्चों में 5 ml रोज सुबह खाने के बाद। इसके साथ एसिडिटी गोली लेनी बहुत जरूरी है खाने से पहले। हर एक गोली खाने से पहले एसिडिटी की गोली लेनी चाहिए। इस कैल्शियम की गोलियों का कोर्स आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने तक ही कर सकते हैं। 1 साल 2 साल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 1-2 साल कंटिन्यू ये गोली लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे जो मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। कैल्शियम शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ विटामिन डी भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विटामिन डी अगर हो खाने में तो ही कैल्शियम आपका शरीर एब्सॉर्ब करता है, नहीं तो ये कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं करता। इसीलिए हर गोली में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी दिया जाता है। तो कैल्शियम का काम क्या क्या है? दांत और हड्डियां, ये जो ऑर्गन है ये पूरी तरह से कैल्शियम से ही बनते हैं। साथ ही साथ सेल्स यानी मसल्स या नर्व्स, ये जो है हार्ट जो पूरा सिग्नलिंग है और उनका पूरा वर्क है वो कैल्शियम की मदद से ही होता है। यानी डे टू डे लाइफ के लिए कैल्शियम पूरे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब कैल्शियम की गोली कौन कौन सी बीमारियों में दी जाती है ये अब हम देखेंगे। पहला है और सबसे महत्वपूर्ण फ्रैक्चर। अगर आप गिर जाए या फिर ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद फ्रैक्चर हो, तो फ्रैक्चर में हड्डियां जुड़ने के लिए कैल्शियम बहुत ही काम आता है। इसके लिए प्लास्टर निकालने तक यानी कि 1 से 1.5 महीने तक कैल्शियम की गोली हर रोज दी जाती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। 45 साल के बाद औरतों में मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल MC उनकी बंद हो जाती है। उसके बाद जो है कि शरीर की टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि वो शरीर हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, वीक हो जाती है, और ये टेंडेंसी पुरुषों में मेंस में 60 साल के बाद होती है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसमें कैल्शियम की गोली दी जाती है। तीसरा है ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब क्या है कि उसमें क्या होता है कि हड्डियां वीक हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बदलता है। नॉर्मल खाने में क्या होता है कि खाने में तो कैल्शियम बहुत ही मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन शरीर वो अपटेक नहीं कर पाता, ले नहीं पाता। उसका कारण क्या है कि वो विटामिन डी जो होते हैं, विटामिन डी की कमी होती है शरीर में। अगर विटामिन डी हो तभी शरीर कैल्शियम अपटेक करता है, ले पाता है, वरना नहीं ले पाता। उसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो ऑस्टियोमेलेशिया उसे कहते हैं एडल्ट में हो तो, और वो कंडीशन अगर बच्चों में हो तो उसे रिकेट्स कहते हैं। चौथा है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है जो वो PTH हार्मोन सिक्रेट करती है। उस हार्मोन का काम क्या होता है कि सेल द्वारा कैल्शियम अपटेक करवाना, यानी सेल कैल्शियम लेते हैं कब, जब PTH हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है।
पीटीएच हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है कि सेल कैल्शियम ले नहीं पाती और उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन दोनों कंडीशन में भी कैल्शियम देना पड़ता है। पांचवा है पित्त ज्यादा होना, हाइपर एसिडिटी, छाती में जलन होना, उल्टी आने जैसा महसूस होना और जीआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इन सब आजारों में, पित्त के संबंधी इन सब आजारों में कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम दिया जाए तो इनमें बहुत ही राहत महसूस होती है। प्रिकॉशन के लिए कैल्शियम देना पड़ता है किस उम्र में, 60 साल के बाद मेंस में और 45 साल के बाद वुमेन्स में, क्योंकि इन सब एज के बाद, ओवर एज के बाद क्या होता है कि मीनोपॉज होता है और मीनोपॉज यानी एमसी रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद शरीर हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है और इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके लिए कैल्शियम की गोली लेना जरूर हो जाता है, लेकिन कैल्शियम की गोली सिर्फ और सिर्फ लगातार 3 महीने तक ही लेनी चाहिए, 1 साल 2 साल कंटिन्यू गोली नहीं लेनी चाहिए। छठा है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जब वुमन प्रेग्नेंट होती है, स्तनपान कराती है प्रेगनेंसी के बाद अपने बच्चे को, तब उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है कैल्शियम की वो डबल हो जाती है। इसके लिए खाने में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो उसको सप्लीमेंट के तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां देनी पड़ती है। प्रेगनेंसी और स्तनपान की अवस्था में आप खुद से ही ये गोली मत लीजिए, आपके फैमिली डॉक्टर की सलाह से और उनकी प्रिस्क्रिप्शन से ही ये गोली लीजिए। सातवां है कि आपके पास आपका अगर मसल पेन हो रहा हो, बॉडी एक हो रहा हो, पिंडली का दर्द हो, टिंगलिंग नमनेस हो, झुंझुनाहट सी महसूस होती हो, तब भी कैल्शियम की गोली दी जाती है। एक कैल्शियम की गोली बोन के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए जब एडोलसेंस स्टेज होते हैं, जब हाइट और वेट बढ़ता है, तब की उम्र में ये गोली हाइट और वेट बढ़ने के लिए दी जाती है। इससे ग्रोथ बच्चों की बहुत ही जल्दी होती है। शेल कैल और सिप कैल, इन गोलियों का अब मैं आपको साइड इफेक्ट बताऊंगा। पहला साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न होना, ये बहुत सारे पेशेंट में आ जाता है और इसके कोई भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। पेट फूलना, पेट खराब होना, पेट दुखना, ये भी इन गोलियों के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा है एलर्जी, गोली खाने के बाद रेड रैश पूरे शरीर पर आ जाती है और पूरा शरीर खो जाता है। इसके लिए ये गोली, अगर आप इस गोली से आपको एलर्जी हो तो ये गोली तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए। और ये गोली लेने के बाद कई सारे पेशेंट्स को विद एसिडिटी की तकलीफ होती है। इसके लिए अगर आपको इससे एसिडिटी की तकलीफ हो तो ये गोली लेने से पहले एक एसिडिटी की गोली हर रोज खाने से पहले लिया करें। तो अब हम प्रिकॉशंस देखेंगे। प्रिकॉशंस यानी कि एक कौन कौन से आजारों में, कौन कौन से बीमारियों में ये गोली नहीं लेनी चाहिए, आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको किडनी की बीमारी है, किडनी फेल्यूर है, किडनी काम नहीं करती, तो और अगर पेशेंट कोई डायलिसिस पर है, डायलिसिस उसका चल रहा है, तो उसको ये गोली नहीं देनी चाहिए। दूसरा है किडनी स्टोन। किडनी में अगर स्टोन हो, पहले से स्टोन हो और आपको टेंडेंसी हो किडनी में स्टोन होने की, तब भी आप ये गोली मत लीजिए, क्योंकि ये गोली से किडनी में स्टोन और किडनी स्टोन का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ हार्ट की बीमारी, अरिथमियाज हो, एंजाइना हो, छाती में दुख रहा हो, तब भी इन पेशेंट में कैल्शियम की गोली लेनी नहीं चाहिए। जिन लोगों का सीरम कैल्शियम लेवल यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है और गाउट होता है, गाउट एक ऐसी बीमारी है जो पैर का जो अंगूठा होता है उसका जॉइंट होता है, वो जॉइंट सूज जाता है, वो कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से गाउट ये बीमारी होती है, तो इन सब बीमारियों में भी कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम शेल कैल और सिप कैल, इन दोनों गोलियों के बारे में, कैल्शियम की गोलियों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी और ये जानकारी आप ध्यान में रखिए, उसके बाद ही कैल्शियम की गोलियों का आप सेवन करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।